अभी तो चुनाव का दौर चल रहा है। अभी कल गुजरात दौरे से आए और आज भानुप्रतापपुर के जो चुनाव हैं वहाँ पहले भी कार्यकर्ताओं को बैठा का, उसके बाद नामांकन रैली में गया था, उसके बाद आज जा रहा हूँ। आप लोगों की तरफ से समय कम मिल पा रहा है वहाँ जाने का, आज है उसके बाद फिर और कितने? आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, 3 तारीख के जाऊँगा, 3 दिन दे रहा हूँ उपचुनाव के लिए। और कितना बहुत है कल के लिए कल परसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण से हमारे सभी वर्गों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के, OBC के, EWS के सभी का बिल उसमें आएगा। इसमें सभी प्रत्याशी को भी अब राहत मिल रही है, 9 तारीख तक से गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी। कहाँ किसने भी है उपचुनाव को मुझे जानकारी नहीं, चुनाव प्रचार भी अब कर भी पाएंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। किससे कोर्ट आदेश हो रहा है तो झारखंड पुलिस ने भी राहत दे दी है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो झारखंड की पुलिस जाने और ब्रह्मानंद नेताम जाने और जो रेपिस्ट है उनके सहयोगी वो जाने। लेकिन अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बलात्कार किया है उसको कैंडिडेट बना दिया है और उसके साथ प्रधानमंत्री जी भी फोटो लगाए हैं। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है प्रधानमंत्री का। एक बलात्कारी के साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगाए, कितने अपमानजनक बात। सर, अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने प्रधानमंत्री को रावण बताया है, तो क्या उस पर शिकायत होगी या केवल गांधी परिवार? अरे पहले खुद तो देख ले, अजय चंद्राकर जी ब्रह्मानंद नेताम जो नाबालिग बच्ची का बलात्कारी है उसके साथ प्रधानमंत्री फोटो लगाए कि नहीं लगाए, तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पहले खुद हटा ले उसके प्रधानमंत्री फोटो पहले हटाए वहां से। या फिर अच्छा तो ये होगा कि ब्रह्मानंद नेताम जब ये पता चल गया कि वो बलात्कारी है तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से मैं कहना चाहूंगा कि अपना समर्थन उसे वापस ले, बलात्कारी के बचाव में क्यों खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी, पूरा राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के उसको चाहिए कि वो विड्रा करे। एक बलात्कारी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, ये अच्छा लगेगा सुनकर, उसको विड्रा करना चाहिए। सर, भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भानु प्रताप उपचुनाव से कहीं दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं जी, भानु केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेता। हाँ, तो ये वही कह रहा हूँ कि मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा, आपको बढ़ के आगे आके उसके विड्रा करना चाहिए। उसके नाम जो समर्थन दे दिया है, मतलब उसको सिंबाल दिए हैं, ठीक है सिंबाल तो हट नहीं सकता क्योंकि एक बार दे चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता की बात करते हैं तो उसको अपने समर्थन वापस लेना चाहिए उसे। बघेल जी कुछ अरे मैं क्या पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, अजय चंद्राकर जी अपने संतुलन ठीक रखे उसकी चिंता ना करें मैं क्या पढ़ता नहीं पढ़ता हूँ। 2 तारीख को विधेयक पास हो जाएगा आरक्षण को लेकर, चर्चाएं हैं, 3 तारीख को कुछ बड़ी घोषणा आप कर सकते हैं ठीक। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार सवाल उठा रहे थे आरक्षण को लेकर, तो आप लोग अपील करेंगे कि किस सर्वसम्मति से पास हो विधेयक? वो तो हो गई, हमारी तो वैसे पूर्ण बहुमत है, 3/4 बहुमत है, बीजेपी समर्थन करे, हम तो चाहेंगे कि इस बिल को तुरंत सर्वसम्मति से पारित करे, ये तो हाउस का यही है, मतलब हम अपील करेंगे समर्थन करेंगे तो अच्छी बात है। इसके खिलाफ एक धरना जो कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, अगर आप अध्यादेश लाते हैं? अरे पहले अध्यादेश कहाँ से यार, ये तो बिल है, बिल आ रहा है। हाँ, अध्यादेश तो राज्यपाल के पास भेजते तब अध्यादेश होता, ये तो सीधा सीधा बिल पारित कर रहे हैं, इसमें अध्यादेश नहीं है। ठीक है, थैंक यू।